जी ठीक। अली राशिद साहब, सर आप इस बात से इत्तफाक करते हैं सर कि नैब खत्म हो जाना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ दिस के बानी तहरीके इंसाफ जो है वो भी फायदा उठा सकते हैं नैब तरामीम का, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अपनी आसूदगी नहीं चाहिए, लेकिन कम अज कम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तो हो। तो आप भी नैब के खत्म करने के हक में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं? आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल, नैब एक ऐसा इदारा है जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है, और जिस कहीं भी आप उठा के देख लें, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की भी ये फाइंडिंग्स हैं कि नैब का जो ऑपरेशन है वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने में, लोगों को प्रेशराइज करने में, फेक केसेस बनाने में, और उनको पॉलिटिकल प्रेशर में लाने को, विक्टिमाइजेशन। जो भी हुकूमत आती है फिर वो नैब का इस्तेमाल करती है अपनी मुखालिफ जमातों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को विक्टिमाइज करने के लिए। तो नैब का कभी भी किरदार हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब से बना है कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है, और उस पर हमेशा सवालिया निशान रहा है। और बिल्कुल, मैं जो इससे पहले मुझसे बात जो साहब कर रहे थे उनसे बिल्कुल मैं इतफाक करूँगा, अग्री करूँगा, क्योंकि जो लॉज हैं दे आर फॉल्टी। आप जैसे 90 दिन आप किसी को गिरफ्तार करके 90 दिन आपके पास होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए बिफोर फ्रेमिंग एनी चार्ज या उसकी कोई भी चीज़ करने में, अब 90 दिन आप किसी को रख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं कि लोग अब 90 डेज अगर आप किसी को गिरफ्तार करके रखें वैसे ही आप उसको प्रेशराइज कर सकते हैं टू डू एनी थिंग और यू नो टू एक्सेप्ट एनी थिंग। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो उसमें विच वर नॉट अप टू द मार्क। तो पार्लियामेंट ने मुश्तर कंसेंसस में इसको अमेंड करने की, नैब की जो चीज़ें थी उनको अमेंड किया कि, और उससे फ़ायदा खान साहब कह रहे हैं मैंने नहीं उठाया, मगर टेक्निकली पीटीआई के बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको उसका फ़ायदा मिला, इसलिए कि वो 90 दिन से 30 दिन कर दिया गया, विद इन 30 डेज आपको रिपोर्ट देनी है, फिर जब 24 आवर्स में पेश करना है मैजिस्ट्रेट। तो काफ़ी चीज़ें नैब के कवानीन में थी विच वर रिपग्नेंट टू जो हमारे मुल्क का कानून है, और वो कभी फॉलो सही तरह से हुआ ही नहीं, अगर आप, और इसलिए कि उसको सही तरह इन्फोर्स किया ही नहीं गया। अगर आप नैब के कानून उठा के देख लें तो उसमें लिखा हुआ है कि जस्टिस, एक जस्टिस हो, रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का होगा जो उसका चेयरमैन होगा, उसका हेड होगा, मगर आई थिंक सिर्फ लास्ट टाइम है जो जस्टिस थे, उससे पहले आप देखें कोई आर्मी का जनरल ही था रिटायर्ड जो उसका हुआ, जबकि इसकी गुंजाइश ही नहीं थी। तो नैब को हमेशा से जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में ये बना और इस्तेमाल हुआ, उस वक्त से उसकी जो आप अगर उसकी इंटेंशन देखें बनाने की, वो बना ही इसलिए था कि लोगों को विक्टिमाइज किया जाए, और वो उसने अपना जो काम है वो पूरा किया है। आई थिंक अबाउट टाइम ये आ चुका है, हमारे मुल्क में FIA मौजूद है, हमारे पुलिस मौजूद है, बाकी FBR मौजूद है, इंडियन रेवेन्यू मौजूद है, सब इदारे इन्वेस्टिगेटिव मौजूद हैं, अगर किसी ने कोई काम गलत किया है तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मौजूद हैं। नैब के पास ना कोई स्किल सेट है इन्वेस्टिगेट करने का, उल्टे नैब के जो ऑफिसर्स हैं वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है फॉर करप्शन केसेस, कि जब लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे टू एक्सट्रॉट मनी, तो ये तो आलम है। तो अगर मुझसे कहेंगे कि नैब को ख़त्म किया जाए तो मेरे हिसाब से इट विल बी अ गुड आइडिया टू गेट रिड ऑफ नैब।